हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज चाउमीन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 3 चाउमीन ली हूँ और मैंने निकाल के कटोरे प्लेट पे रख दी हूँ और मैंने ऑलरेडी पानी गर्म होने के लिए दी थी। ये देखिए, पानी गर्म हो चुकी है। ये देखिए, अब मेरा पानी उबल गर्म हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी, इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। ये देखिए, मैंने ऑयल डाल दी हूँ और मैं 1/2 नींबू कटी हुई डालूंगी क्योंकि चिपके ना चाउमीन नीचे और फ्रेश और एकदम क्लीन निकले, इसीलिए मैंने ऑयल और नींबू डाली हूँ। देखिए, अब मैं इसमें तीनों एक एक करके धीरे धीरे डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने सारे डाल दी हूँ। अब मैं इसे ढककर उबालूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से हो चुके हैं। अब ये अब मैं इसे दूसरे बॉल पे रख दूँगी इसे ठंडा पानी करने के लिए। ये देखिए, मैंने कपड़े पे निकाल लिया और कपड़े में थोड़े 1 गिलास ठंडा पानी मैंने डाल दिए जैसे ये अच्छे से हो जाए क्लियर। ये देखिए, मैंने इसके सामग्री काट ली है। पत्ता गोभी, प्याज, मिर्च, नींबू और धनिया पत्ता। मैंने 1/2 कटोरी ऑयल ली है सरसों का। ये देखिए, अब मैं इसमें सारे सब्जियाँ डाल दूँगी, प्याज और पत्ता गोभी। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, प्याज को भून रही हूँ और 1/2 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी, हल्दी मिर्च ऐड करूँगी 1/2, और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। देखिए, अब मैं 1 चम्मच सोया सॉस डालूँगी, 1/2 कटोरी में सॉस डालूँगी, टमाटो सॉस मैं अच्छे से इसे मिला लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें चाउमीन ऐड करूँगी। ठीक है, मैं चाउमीन इसमें डाल दें और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे क्लीन बन बने हैं। और मैं लास्ट में, देखिए मेरे बन चुके हैं चाउमीन। अब मैं नींबू लास्ट में डालूँगी और मैं इसमें गार्निश के लिए धनिया डालूँगी ऊपर से। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं चाउमीन। अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये देखिए, मेरा चाउमीन बनकर रेडी हो चुका है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।